करूंगा और वहां पर लाखों कर्मचारी होगा आपके। जिससे वो भयभीत हुए, बोले आप ये क्या कह रहे हैं, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रम मंत्री जी, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके तारतम्य में उन्होंने पंजाब का आंदोलन भी स्थगित कराया, वहां पर भी क्रिमिनल सन चल रहा था, लेकिन देने की नीयत पर अभी कुछ नहीं है। परसों हमारी जब उनसे व्यक्तिगत बात हुई बैठक के विषय में, यहां पर आंदोलन के विषय में मतलब एक छोटा सा कार्यक्रम करने के विषय में, तो भी उन्होंने सहमति नहीं दी। तो मित्रों ये मान के चले कि 29 तारीख तक एक बैठक होनी है, चाहे वो अमेठी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हमारे आपके मथुरा में हो, उस बैठक में निर्णय लेना है। और एक बड़ा आंदोलन, शायद सबसे पहला आंदोलन जो होगा वो बरेली होगा, माननीय श्रम मंत्री के कार्यालय पे होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबकी मानसिकता हर उत्तर प्रदेश के क्या भारत के कोने कोने के कर्मचारियों की, ईपीएस 95 के कर्मचारियों की निगाहें बरेली की सरजमी पर, श्रम मंत्री के क्षेत्र पर लगी हुई है। इसलिए आंदोलन यहीं से होना है, बड़ा आंदोलन होना है, रूपरेखा आपको तय करनी है कि क्रमिकल सन रखना है 10 बजे से 3 बजे तक का रखना है, सहयोग आप सबको करना है, या एक बड़ा आंदोलन एक दिवसीय रखना है। अब इन बातों को करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे साथी यहां जो भी हैं वो अपने अपने विचार, अपनी अपनी भावनाओं में किस प्रकार से, किस प्रकार का सहयोग रहेगा, अपनी बातों को रख दें। और दूसरी बात मैं एक बात और कहूंगा कि मित्रों अर्थ और धन बहुत जरूरी है, तो धन के लिए भी जो भी साथी चाहे, मैं चाहता हूं जिस प्रकार से कानपुर इलाहाबाद में एक 100 रुपए की सदस्यता हर साल उनकी चल रही है, उन्होंने इलाहाबाद सम्मेलन किया, 4000 रुपए दिए, हम गए कुछ नहीं दे पाए, एक रुपए भी हमने इलाहाबाद के सम्मेलन में सहयोग नहीं किया, मुझे शर्म आ रही थी उस जगह, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत खर्च से भी गया था, नादेड़ भी गया, लोगों ने दिए, मैं शर्म आ रही थी कि मैं वहां पर कुछ भी नहीं दे पाया। और कानपुर की सरजमी पर भी मुझे शर्मता बरेली की सरजमी से एहसास हुई। मित्रों मैं ये चाहूंगा कुछ नहीं तो हर साल का 100-100 रुपए का वार्षिक सदस्यता शुल्क ईपीएस 95 के नाम पर जमा कर लिया जाए, जो कि उस कोष से अगर कोई साथी कहीं जाता है, आता है, खर्च करता है, तो उसकी एक रूपरेखा बना ली जाए, उसका ब्यौरा लिया जाए, या कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा है उसमें देना पड़ता है तो उस आंदोलन, क्योंकि वो भी आंदोलन मेरा अपना आंदोलन है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रख दें, उसका निर्णय माननीय अध्यक्ष जी निकालेंगे कि किस रूप से क्या करना है। बड़े भाई हमारे सबसे पहले